जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ तक हमने एक टेबल पे काम किया था। हमने उसमें नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन देखी थी। एक नज़र उसको देख लेते हैं। हमने टेबल को किस तरह देखा था, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। देखना सर, हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास फिलहाल उसका एडमिन पैनल है। इसके एडमिन में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स ऐड है, और यहाँ पर अभी फिलहाल हमने दो प्रोडक्ट्स ऐड किए थे। लेट्स से अगर किसी भी प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते तो हमारे पास नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन आती है। अब लेट्स से कि हम इसके अंदर एक इमेज भी ऐड करना चाहते हैं, तो इमेज पार्ट, और हम अगर इसमें इमेज भी ऐड करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। हम एक दफा फिर से हमें प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट डॉट पी वाई, और इसमें इमेज के नेम से एक टैग ऐड करना पड़ेगा। अब इस डिजेंगो से क्वाइट पावरफुल फ्रेमवर्क। आपको इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको सेपरेटली मॉडल्स के अंदर ही आपके पास एक इमेज फील्ड के नेम से फील्ड मौजूद है। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि अपलोड, और यहाँ पर हमें एक नेम, एक पाथ देना पड़ता है लोकल डायरेक्टरी। अब यहाँ पे जो भी हम नेम देंगे, लेट्स से हम इसको प्रोडक्ट्स का नेम देते हैं, प्रोडक्ट्स। और तो अब क्या होगा कि इस पाथ के अंदर हमारे इमेजेस आकर स्टोर होंगे। अब इमेजेस को स्टोर करने का मैकेनिज्म क्या है कि इमेज हमारी फोल्डर के अंदर ही स्टोर होंगे, हमारे जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट के अंदर ही स्टोर होंगे, और दे आर लाइक ए पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। और नॉर्मली हर एप्लीकेशन के अंदर ऐसा ही होता है। किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी वेबसाइट पे काम करें तो डेटाबेस में जाकर उसके पाथ स्टोर होते हैं, डेटाबेस में उसके पाथ स्टोर होते हैं। और वो जो पाथ होता है वो प्रोजेक्ट का पाथ होता है। कई दफा हम जब एडमिन पैनल बना रहे होते हैं, जब जिस तरह हम सर्वर पे बात करें, हम किसी भी होस्टिंग सर्वर लें तो सर्वर के ऊपर इमेजेस पड़ी होती हैं, तो लेकिन हमारी डेटाबेस के अंदर उसका पाथ मौजूद होता है। तो यही हम एक पाथ ये दे रहे हैं, और फिर फ्यूचर में क्या करेंगे कि इसी पाथ को क्या कर देंगे, लाइव कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पर इमेजेस बताई है, इसको एक दफा हम इसके ऊपर माइग्रेशन अप्लाई करेंगे, और देन हम इसको देखेंगे कि क्या इसमें कुछ चेंज आया है कि नहीं आया। लेट्स हम इसमें कहते हैं मेक माइग्रेशंस। सो यू आर ट्राइंग टू ऐड ए नॉन नलेबल फील्ड इमेज टू प्रोडक्ट विदाउट एनी डिफॉल्ट। We can't do that. The database needs something to populate existing row. और इसमें क्या है, provide an on off default now and row will null value for this column. Second क्या होगा, quit and let me add default in the models. अब ये दो ऑप्शन है हमारे पास। अब वो हमें इस इन ऑप्शंस में कह रहा है कि भाई आपने जो डेटाबेस ऐड कर की है उसमें काम करें कि इसके अंदर एक डिफॉल्ट भी ऐड करते हैं। अब वो डिफॉल्ट क्या है, बेसिकली हमारी इमेज फील्ड है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं। लेट्स हम सेकंड के साथ जाते हैं, तो उसने यहाँ पे पाइथन ऐड कर दिया। अब हम इसको एक बार फिर माइग्रेशंस पे जाएं, और इसको लेट्स से वन कर देंगे। बड़ा एक टिपिकल सी चीज है जो हम उसके अंदर ऐड करते हैं, तो लेट्स से इसके अंदर इसको एक्सिट करें, और हम आप इसको डायरेक्ट इसको माइग्रेट करते हैं, मैनेज डॉट पी वाई और माइग्रेट। ओके, अच्छा, इसके अंदर अभी हमारे पास योर मॉडल हैव चेंज्ड दैट आर नॉट येट रिफ्लेक्टेड इन द माइग्रेशन, सो दैट वॉन्ट बी अप्लाइड। और यहाँ पर एक चीज आ रही है, हो गया। अच्छा, इसको हम एक नज़र अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अभी यहाँ पर हमें चीज़ दे रहा है स्टोर अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट इमेज के नेम से, वो हमें यहाँ पर मौजूद डाटाबेस दे रहा है। अच्छा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसको माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए हमें इसको
इमेज फील्ड को अपडेट करना पड़ेगा। लेट्स से कि हम इसको किस तरह लेके जाते हैं, एक काम करते हैं इसे कि हम इसको इस वाले साइट से, सर्वर साइट से इसको क्या करते हैं चेंज, अभी चेंज का ऑप्शन नहीं है, इमेज पे वो एरर दे रहा है, और इस एरर को ओवरकम हम कैसे करेंगे। अब ये ज्यादा नॉर्मल एरर उस वजह से आता है कि जो प्रोडक्ट्स हम पहले ऐड कर चुके। अब यहाँ पर पाइथन हमें क्या कह रहा है कि भी आपने जो प्रोडक्ट पहले ऐड किए हैं उन प्रोडक्ट्स का क्या होगा, उन प्रोडक्ट्स का पहले बताइए कि हम आपने उसमें क्या डिफॉल्ट ऐड करना है, क्या नहीं ऐड करना है, तो वो चीज़ हमें पहले बतानी पड़ेगी। एक काम हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसको, इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे हम डेल करने की कोशिश करते हैं। लेट्स हम इसको डिफॉल्ट नल रख के देन इसको माइग्रेट, माइग्रेशन अप्लाई करते हैं। अभी इस पे माइग्रेट हो गया, अब डिफॉल्ट हमने नल रखा, तो इस पे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। बेसिकली ये ऑप्शन हमारे पास उसी के लिए है कि भाई आपने इमेज फील्ड को उसमें ऐड करना है। तो अब वो पहली जो फील्ड्स आप ऐड कर चुके हैं उसके आपसे माइग्रेशन अप्लाई करेगा, पूछेगा हमने उसको डिफॉल्ट एम्प्टी कर दिया, सेकेंड पर आपको क्या कर दें माइग्रेट कर दें, तो ये माइग्रेशन अप्लाई हो गई। अब उसको एक दफा रन सर्वर करें, रन सर्वर करें, तो इट विल बी ओके फॉर नाउ। इसको रिफ्रेश करें, इसके प्रोडक्ट्स पे जाएं, ऐड प्रोडक्ट, देखें हमारे पास यहाँ पर इमेज का फील्ड है। लेट से हम यहाँ पर प्रोडक्ट चूज करते हैं, हम प्रोडक्ट का नेम चूज करते हैं, मैन लेट्स हम कहते हैं शर्ट फॉर मेन, और हम इसको प्राइस देते हैं लेट्स से 450, और हम उसे कहते हैं कि ग्रे कलर, और हम उसे कहते हैं फुल स्लीव्स। ठीक हो गया, हम इसमें एक इमेज फाइल ऐड करते हैं। लेट्स मेरे पास कुछ इमेजेस मौजूद हैं यहाँ पर ओपन सीवी के फोल्डर में मौजूद हैं, हम ये इमेज इसमें ऐड कर लेते हैं। लेट्स हमने ये इमेज ऐड की और इसको यहाँ पर सेव करते हैं। अब सेव करने से क्या होगा, अब सबसे पहले देख लें पहली दो इमेजेस के साथ क्या किया। उसने पहली दो इमेजेस के साथ जो इमेज फील्ड उसमें ऐड की है, लेकिन वो उसने एम्प्टी कर दिया उसको। अगर हम उसको डेटाबेस वाले साइट पर देखें जाके, डेटाबेस वाले साइट पर उसने क्या चेंज किया है, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी जो प्रीवियस डाटा के साथ आपने करना, जो प्रीवियस एंट्रीज आपने उसमें ऐड करनी। तो हमारे पास यहाँ पे पाइथन अंडरस्कोर प्रोजेक्ट है, हमारे पास ई स्टोर क्लास के नेम से है, और इसको ओपन करें, स्टोर अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स में आके देखें, तो पहली दो के साथ उसने इमेजेस को क्या किया हुआ, नल किया हुआ। बाकी इसमें थर्ड पे देखें, थर्ड पे क्या, अब जो मैं कह रहा था कि हमारा जो इमेज में क्या ऐड होता है, यहाँ पर आकर पाथ ऐड होता है। अब पाथ किस चीज का है, इमेज का है, पाथ है। हमारी इमेज डेटाबेस में एज सच जाकर स्टोर नहीं होती। अब ये सबसे बैड अप्रोच होती है कि अगर हम इमेज को खुद को डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहें, क्योंकि इमेज इटसेल्फ एक लार्ज फाइल होती है, हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अब कुछ लोग उसे बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर, लेकिन बहुत ही बैड अप्रोच मानी जाती है, क्योंकि पहले उसको कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, फिर उसे डी कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, यानी इनकोड करने में, डी कोड करने में कन्वर्ट लगता है। यानी इसका क्या मतलब कि अगर हम टेबल के अंदर पूरी इमेज स्टोर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इमेज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर जब आपने इमेज दोबारा डिस्प्ले करनी है तो उसे दोबारा इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो एक लंबा प्रोसेस है। तो होता क्या है कि आप इमेज को क्या स्टोर करते हैं, पाथ के ऊपर। अगर हम प्रोजेक्ट में आकर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एक फोल्डर बन चुका है हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, और ये हमारी इमेज मौजूद है जो अभी हमने यहाँ पर क्या की है, अपलोड की। तो अब क्या हो गया, अब हम इसमें इमेजेस भी स्टोर कर सकते हैं अपने इसके अंदर। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये चाहता हूँ भाई कि यहाँ पे नेम है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है। अब हमारी वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज भी तो होनी चाहिए। अब कैटेगरीज किसको बताती हैं कि भाई ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा। लेट्स से कि अगर हम अपनी
इस वेबसाइट के अंदर हम फोर कैटेगरीज रखते हैं, मेन वुमेन, अब ये तो क्लोथिंग की होगी, मेन क्लॉथ वुमेन क्लॉथ, देन हमारे पास मेन शूज वुमेन शूज, ये फोर कैटेगरीज हो गई। तो जो भी प्रोडक्ट हमने बनाना है उस प्रोडक्ट को जो ऐड करना है उसको एक कैटेगरी भी ऐड करनी है कि भाई ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी में जाएगा और फिर वो हमें फायदा देगा जब हम उसको सर्च करवाएंगे। अच्छा इसमें आप कर लेते हैं, हम इसमें कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं। अब कैटेगरी ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स के अंदर एक सेपरेट मॉडल ऐड करना पड़ेगा। लेट्स से मैं इस पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, पाइथन फाइल पे क्लिक करता हूँ, इसमें ऐड कर लेता हूँ कैटेगरी। तो मैंने इसमें क्या लिया जी, ये कैटेगरी के नेम से मैंने ऐड कर ली। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब कैटेगरी की पूरा टेबल हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं फ्रॉम डिचेंगो डॉट टीबी इम्पोर्ट, और हम क्या करते हैं मॉडल्स को इम्पोर्ट करते हैं, और फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्लास, और हम इसमें क्या करते हैं कैटेगरी, क्लास कैटेगरी, और उसमें हम क्या कर रहे हैं मॉडल्स डॉट मॉडल्स। अच्छा इस ये है अभी तक हमारे पास। अच्छा जी तो हम इसमें क्या करेंगे, हम एक कैटेगरी की क्लास बनाएंगे। अब हमें सिर्फ कैटेगरी में एक नेम चाहिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे नेम ऐड करेंगे, और हम इसमें क्या करेंगे मॉडल मॉडल्स डॉट वेक्टर फील्ड, हम उसे कहते हैं इसको लेंथ दे लेते हैं रजिस्टर कर लेते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। अब प्रोडक्ट में जब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट कोई भी हम ऐड करेंगे तो हम वहां पे करेंगे कि भाई हमने कैटेगरी भी ऐड करनी है। तो हमने जब कैटेगरी ऐड करनी है तो उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक फॉरेन की ऐड करेंगे, हम एक यहाँ पे फॉरेन की ऐड करेंगे। तो अब फॉरेन की का क्या पर्पस होगा, कि फॉरेन की बेसिकली यहाँ पे एक्ट करेगी। अब ये असल में तो ये उस टेबल की प्रॉपर्टी है, ये दूसरा टेबल है हमारे पास जो कैटेगरी का टेबल है। अब हम कैटेगरी से अलहदा टेबल के अंदर मैनेज करेंगे और उन कैटेगरी से को फिर हम यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे कि वो फिर हमें बता रही होगी कि भाई ये जो कैटेगरी है ये प्रोडक्ट है ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो कैटेगरीज का टेबल अलहदा बनाएंगे, फिर आगे जो हमारे पास प्रोडक्ट में उसको मैनेज करना है फिर वो फिर हम अलहदा करेंगे। हम यहाँ पे कहते हैं कि जी हमने कैटेगरी के नेम से एक और वेरिएबल भी इसमें ऐड करना है और हम उसको कहते हैं मॉडल्स डॉट, और हम यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा फॉरेन की। मिल गया जी, ये हमें फॉरेन की है। अब सबसे पहले हम इसमें कैटेगरी के टेबल का हम यहाँ पे कैटेगरी के टेबल का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रॉम डॉट कैटेगरी, और हम करेंगे इंपोर्ट। ठीक हो गया, तो हम कैटेगरी की क्लास को इंपोर्ट करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। अच्छा एक तो हमने कर ली कैटेगरी इंपोर्ट कर ली, तो अब ये कैटेगरी, अब ये कॉलम एक फॉरेन की एक्ट करेगा हमारी कैटेगरी। अब दूसरी चीज हम इसमें ऐड करते हैं, हम उसे कहते हैं कि ऑन डिलीट। डिलीट का क्या मतलब है कि अगर लेट्स से कि कल आकर एक पर्सन कैटेगरी को डिलीट कर देता, यानी वहां से हमने एक मेन की कैटेगरी ऐड की और कल कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई हमने इस कैटेगरी को आगे कंटिन्यू नहीं करना, तब क्या होगा, क्या हमें उसकी प्रोडक्ट्स रखनी होंगी या हमें उसकी प्रोडक्ट डिलीट करनी होगी, या अब हमारा डिसाइड होगा और हमें इसी पॉइंट पर ही डिसाइड करना है कि इन केस के अगर अब ये दो डिफरेंट टेबल्स आपस में कंबाइन होकर ये लॉजिक बन रहा है, तो अब हमें यहाँ पर खुद डिसाइड करना है कि अगर एक चीज मिसप्लेस हो जाती है तो दूसरी चीज के साथ हमें क्या करना है। तो इसमें एक सिंपल से ट्रिक यही यूज होता है कि हम उसको वहां पे डेल कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं मॉडल्स डॉट कैस्केड, तो
यहाँ पर कैस्केड के नाम से एक चीज है। कैस्केड का मतलब होता है कि अगर इन केस आपकी कैटेगरी डेल हो जाती है तो आप क्या करेंगे, उसके जितनी प्रोडक्ट होंगे वो सारी की सारी वहां पर रिमूव। और हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 रखते थे। डिफॉल्ट की आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको देखा भी होगा कि डिफॉल्ट को हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपल सा काम ये करते हैं, इसको एक तो माइग्रेट करते हैं। तो हमें इसको माइग्रेट करना है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, हमें जो कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर के अंदर इसे रजिस्टर भी करना है, अदरवाइज वो नहीं हो करेगा। फॉर्म डॉट कैटेगरी इंपोर्ट कैटेगरी, ये चीज करना है। और एक चीज हमने करनी है एडमिन डॉट पी वाई के अंदर जाकर इस प्रोडक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे भी हमें ऐड करना। तो हम कहते हैं डॉट मॉडल्स डॉट कैटेगरी और इंपोर्ट हम क्या करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और इस कैटेगरी को यहाँ पे हम एडमिन पैनल में भी रजिस्टर कर देंगे। सिंपल इज दैट, सिंपल इज यू लाइक। अब जी हम यहाँ पर इधर माइग्रेशन अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, मेक माइग्रेशन। अब क्या हमारे पास माइग्रेशन के लिए है, बिल्कुल हमारे पास दो चीजें माइग्रेशन में अप्लाई के लिए हैं, एक तो कैटेगरी है, दूसरा क्या है कैटेगरी फील्ड है जो हमने प्रोडक्ट में ऐड करना है। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं माइग्रेट, हम इसको माइग्रेट करेंगे। तो अब जी उसने क्या दे दिया, जी एरर दे दिया, और एरर क्या दे दिया, द रो इन स्टोर विद प्राइमरी की हैज इनवैलिड फॉरेन की। अब हमारे पास, अब क्योंकि प्रोडक्ट्स पहले से ऐड है, मसला हमारा ये है कि हमारी प्रोडक्ट्स पहले से ऐड है और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू कह रहा है कि 1 ऐड कर दो। अब वो डिफॉल्ट वैल्यू जब 1 ऐड कर रहा है तो 1 तो है ही नहीं वहां पे, तो अब हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि अभी तो ऐड नहीं हुई। तो एक काम ये करते हैं, मैं इसको यहाँ पे, इसको जो कैटेगरी आईडी हमारी यहाँ पर हमने ऐड की है तो वो उसको क्या कर रहे हैं ऐड नहीं होने दे। तो हम यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी में हमें जी एरर देगा और ये एरर बनता भी है। अच्छा जी, इस पॉइंट पर हम ये करते हैं, हम अभी ये फॉरेन की को यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। अभी ये फॉरेन की हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अगर हम इसी पॉइंट पर ऐड करेंगे, हम इसको यहाँ से अभी खत्म कर लेते हैं और हम अभी सिर्फ कैटेगरी के कॉलम के साथ जाते हैं। ठीक हो गया, हम कहते हैं अभी इसको एक दो कैटेगरीज हम ऐड करनी, देन हम इसको आगे देखेंगे क्या। मैं इसको माइग्रेट करूंगा और ये माइग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, अभी अगेन उसमें एरर है। तो हम अभी इसको यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे, और यहाँ पे स्टोर प्रोडक्ट प्राइमरी की हैज इनवैलिड फॉरेन की स्टोर कंटेनर वैल्यू 1 दैट डजंट हैव अ कोरिस्पोंडिंग वैल्यू कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, इसमें वो वैल्यू नहीं है। अच्छा जी, इसका एक छोटा सा वर्क अराउंड है। वर्क अराउंड क्या है कि हम इसको प्रोडक्ट्स को एम्प्टी करवा रहे हैं। मैंने अभी जो प्रोडक्ट्स थे उसको सारा डेल कर दिया, क्योंकि अभी होता क्या है, मसला क्या आ रहा है, एग्जिस्टिंग कीज के साथ उसे मसला आ जाता है, क्या एग्जिस्टिंग वैल्यूज है उसको किस तरह अपडेट करेगा। तो एक सिंपल सी अप्रोच ये होती है कि जब भी ये इश्यू आए तो आप अभी डेटाबेस को एम्प्टी कर लें, क्योंकि अभी जो हमारी प्रोडक्ट्स की जो टेबल है उसमें वैल्यूज अभी फाइनलाइज होनी है, इसलिए उसे डिलीट करने से भी मसला हल हो जाएगा। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो कैटेगरी है इसको ऐड कर लेता हूँ। अभी मैंने उसको सिंपल क्या किया है, मैंने मेरी जो प्रोडक्ट डॉट पी वाई की क्लास है इसके अंदर जस्ट एक फॉरन की मैंने अभी नहीं बनाई, अभी मैंने सिर्फ कैटेगरी का टेबल बनाया, उसको लाकर मॉडल्स में रजिस्टर, हमने उसे एडमिन डॉट पी वाई में लाकर रजिस्टर किया, और फिर हमने उसको सेकंड कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको रजिस्टर किया, बस दैट्स इट। और मैंने इसको माइग्रेशन अप्लाई कर दी है। अब अगर यहाँ पर मेक माइग्रेशन करेंगे, अभी मेरे पास कोई माइग्रेशन नहीं है, और इसको माइग्रेट करेंगे तो ये माइग्रेट हो जाएगा।
अगर आपके इन केस माइग्रेशन हो, क्योंकि मैं उसे पहली दफे रन कर चुका हूँ इसलिए मेरे पास माइग्रेशन नहीं आ रही, तो आपने सिर्फ अभी कैटेगरी का टेबल बनाना है और यहाँ पर जो आपने फॉरेन की ऐड की है वो नहीं कहना। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं अब इसको, मेरी अभी दोनों चीज़ें एम्प्टी हैं, मेरी वो भी एम्प्टी है ये भी एम्प्टी है, मैं कुछ कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर कैटेगरी ऐड करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ जी मेन, ठीक हो गया, पहली कैटेगरी आ गई। मैं दूसरी कैटेगरी ऐड करता हूँ वुमेन क्लॉथ्स। अच्छा अब इसमें हमारे थर्ड कैटेगरी आएगी मेन शूज, फिर हम इसमें ऐड करते हैं वुमेन शूज, ठीक हो गया। इसको हम ऐड करेंगे, हम लास्ट में ऐड करते हैं ग्रॉसरीज, लेट्स हम इसे ग्रॉसरीज करेंगे लास्ट ना, तो सेव ऑब्जेक्ट करें, सेव हो गया। अब ये प्रोडक्ट्स में आए, इसमें आके कुछ प्रोडक्ट उसमें ऐड करेंगे हम, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी नहीं आ रही। हम अभी करते हैं, अब इस फॉरेन की कॉन कर लेते हैं एकदम, और अब इसको दोबारा माइग्रेट कर, तो अब उस हमारे पास जो माइग्रेशन आ रही है वो आ रही है कि हमने एक फील्ड ऐड करनी है कैटेगरी में, और फिर यहाँ पर हमने क्या ऐड करना है, उसको माइग्रेट करना, हमने इसको माइग्रेट करना है। ये माइग्रेशन अप्लाई हुई, हम इस सर्वर को, हमारा सर्वर रनिंग में है यहाँ पे, तो उसको एक दफा रिफ्रेश करेंगे, तब ये देखेंगे कैटेगरी की फील्ड है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमने 5 कैटेगरीज तो ऐड की हैं 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन वो नेम नहीं उसका डिस्प्ले हो रहा, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट जा रहा है हमारे पास, यहाँ पे उसका क्या जा रहा है, जब हम न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या जा रहा है, उसका ऑब्जेक्ट जा रहा है। उसका एक सिंपल सा वर्क अराउंड है कि हमारी जो कैटेगरी की क्लास है, कैटेगरी की जो क्लास है वहां पर हम क्या रिटर्न कर देंगे, नेम रिटर्न कर देंगे। तो अब नेम रिटर्न करने से क्या होगा कि अब बाय डिफॉल्ट क्या होती है, उसकी आईडी जाती है, लेकिन हमने वहां पर उसका क्या रिटर्न करना, नेम रिटर्न करना। तो हम यहाँ पे करते हैं डबल अंडरस्कोर str देन डबल अंडरस्कोर, और इसको हम एक फंक्शन बनाएंगे सेल्फ का, और इसमें क्या कर देंगे, रिटर्न रिटर्न सेल्फ डॉट, हम उसे कह रहे हैं क्या कुछ भी ना करो, आपको जो मॉडल की क्लास है बाय डिफॉल्ट आप आईडी दे रहे हो, हमें आईडी नहीं चाहिए भाई, हमें नेम चाहिए, तो अब हमें वहां पे सिंपल सा नेम रिटर्न कर दो, ठीक हो गया। तो अब उसको हमें क्या करके देना पड़ेगा, नेम रिटर्न करके देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उसको एक दफा माइग्रेट करके देखते हैं, अगर हमारे पास माइग्रेशन हुई, नहीं इसकी नॉर्मली माइग्रेशन नहीं होती है, यानी हमें एक सिंपल सी ये लाइन ऐड करनी है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर किसी भी चीज को ओवरलोड करते हैं, ओवरलोडिंग एक कॉन्सेप्ट है, ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को, जिस तरह ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएं तो ऑब्जेक्ट के अंदर टू स्ट्रिंग का मेथड होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वही टू स्ट्रिंग का मेथड हम रिटर्न कर रहे हैं, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट उसमें क्या है कि वो आईडी रिटर्न करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आईडी की जगह पर वो नेम रिटर्न करे, तो हम उसका टू स्ट्रिंग का मेथड, यानी हमें यहाँ पे स्ट्रिंग का जो कंस्ट्रक्टर है वो ओवरलोड करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना पड़ेगा। अब हम इसको देखते हैं, जरा रिफ्रेश करते हैं, और अब ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज में कह रही है मेन वुमेन शूज ग्रॉसरीज। लेट्स से मैं दोबारा कैटेगरी में जाता हूँ, मुझे अगले दिन याद आया या कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एक न्यू कैटेगरी उसमें ऐड करेंगे, तो जब हम उसमें न्यू कैटेगरी ऐड करेंगे, लेट्स हम ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के नेम से एक न्यू कैटेगरी ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के नेम से, तो हम यहाँ पे कहते हैं सेव। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी ऐड होगी, जब आप प्रोडक्ट में जाएंगे, न्यू प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास वो लिस्टेड फॉर्म में आ जाएगी कि अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की एक नई कैटेगरी। अब लेट्स हम इसमें कुछ चीजें सेव कर लेते हैं, शर्ट फॉर मैन, मैन इसको प्राइस दे लेते हैं, हम उसे ये दिया हुआ है, उसका एक इमेज चूज कर लेते हैं, हमारा जो इमेज पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है वहाँ पे ओपन सीवी की डायरेक्टरी है, इसके अंदर ही हमारे पास इमेज मौजूद है, हम इस इमेज को सेव करते हैं, और उसमें मेन क्लॉथ की कैटेगरी में जाएगा, नेक्स्ट ऐड करें, हम उसे कहते हैं जी अगेन अ शर्ट फॉर
मेन, इसमें क्या कर लेते हैं उसमें प्राइस ऐड कर लेते हैं, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं, कलर चूज करें और लेट्स से कि हम उसको ये ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ये आ गया, मेन कैटेगरी में जाएगा सेव अनदर। हम इसमें कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं, मुझसे कहते हैं कि जी शर्ट्स फॉर, प्राइस ऐड करते हैं और हम उसे कहते हैं कि जी हम उसे ब्लैक कलर कहते हैं, चूज शर्ट करते हैं और हमारे पास लेट्स से ये चूज कर लेते हैं और हम इसको कैटेगरी चूज करते हैं वुमेन क्लॉथ, इसको सेव एंड ऐड अनदर। तो हम इसमें कुछ प्रोडक्ट सेव कर लेते हैं। अब जैसे जैसे हम प्रोडक्ट सेव करते जा रहे हैं, एक चीज आप देखेंगे कि उसकी जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी यहाँ पर लाकर सर्व हो रही है और साथ ही हमारे पास यहाँ पर डाटाबेस के अंदर क्या हो रहा है वो एज एन एंट्रीज फॉर्म में वो क्या हो रहा है यहाँ पर लाकर से स्टोर हो रहा है। हम लेट्स से यहाँ पे पाइथन 7 स्टोर क्लास और इसको करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। तब ये हमारे पास कैटेगरीज बन रही हैं। अगर आप जाएंगे स्टोर अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो ये सारे हमारे पास कैटेगरीज बन रही हैं। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म था। इसमें देखें आप लोगों ने अगर भी पहले से टेबल ऐड की हुई है और उसके अंदर कोई इशू आ रहा है तो आप वो पहले उसे डेल कर लें, उसके सारे डाटा को क्या कर लें डेल कर लें, देन ये अप्लाई करें। मोस्टली हमारी ये प्रॉब्लम्स किस वजह से थी कि पहले डाटा एग्जिस्ट कर रहा था देन हम उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये सॉल्व कैसे होंगी कि हमें पहले डेल करनी, बहुत इजी तरीका है, पहले जितना भी डाटा है डेल कर लें। डेल करने का तरीका कर बहुत सिंपल है। आप एडमिन साइट पर आएंगे, प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स सारी प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, लिस्टेड फॉर्म में होंगे। लेट्स से हम किसी को भी डेल करना चाहते हैं, अब यहाँ पर डेल पर आएंगे, यस पे करेंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगी डेल हो जाएगी और साथ ही आपकी डाटाबेस से भी क्या हो जाएगी वो चीज़ ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमें क्या होना चाहिए, हमें एक अपने जो प्रोडक्ट है अपने जो टेबल है वो बनाने आने चाहिए। एडमिन पैनल से डाटा को किस तरह ऐड करना है, किस तरह टेबल से ऐड करने के जो एडमिन पैनल पर जाकर इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो हमने दो टेबल ऐड कर लिए, प्रोडक्ट्स विद कैटेगरीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डाटा यहाँ पे गेट करना, डाटा गेट कैसे करना है, डाटा को डिस्प्ले कैसे करना है, आपने वहाँ पे बूटस्ट्रैप की फॉर्म में हम कार्ड्स लेकर आएंगे उसके फॉर्म में उसे डिस्प्ले करेंगे। तो तब तक ये कर लें आप लोग, कंप्लीट करें, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है क्लास के अंदर।